नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं dlllntop.com की वर्ल्ड कप स्पेशल सीरीज रनबाज। वर्ल्ड कप का 25वां मैच न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड जो अब तक एक भी मैच हारी नहीं है, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो ये मैच हर हाल में जीतना चाहती थी। वजह सेमीफाइनल की दौड़, जिसमें वो बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्टइंडीज से भी पीछे थी, और इस मैच के बाद भी वो पीछे ही रह गई। वजह ये, मैच न्यूजीलैंड ने कांटे की टक्कर में ही सही 4 विकेट से जीत लिया है। मैच के शुरू से बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ओपनिंग आए डिकॉक और हाशिम अमला। डिकॉक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ट्रेंट बोल्ट को फेस करना, जो वो कर नहीं पाए और बोल्ट के पहले ही ओवर में बोल्ड हो गए। अमला और डुप्लेसी ने पारी आगे बढ़ाई, मगर टीम का स्कोर 59 ही पहुंचा था कि कप्तान डुप्लेसी फर्ग्यूसन की यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। इसके बाद मार्कर आए तो कुछ देर बाद 50 बना चुके हाशिम अमला चले गए। अमला ने इस पारी में 8000 रनों का आंकड़ा भी पार किया। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों में सबसे तगड़ा खेले। इसके बाद आए वैंडर डुसेन, 67 रन बनाए 64 बॉलों पर। किलर मिलर ने 36 रन तो बनाए, मगर उस अंदाज में नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पहले बैटिंग करते हुए कोई ज़्यादा तीर नहीं मार सके, 241 रन ही बना पाए 49 ओवरों में। जी हाँ, मैच 49 ओवरों का ही था। पहले बारिश हुई थी तो एक एक ओवर घटा के मजे का समय बचा लिया गया। खैर, अब 242 के टारगेट का सामना करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम। सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो और मार्टिन गुप्टिल, दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज, मगर मुनरो की आज एक भी नहीं चली रबाडा के आगे। तीसरे ही ओवर में उनको चलता कर दिया, पर मजेदार रहा इसके बाद वाला विकेट, दूसरे ओपनर गुप्टिल का विकेट। मामला मैच के 15वें ओवर का है। गुप्टिल कप्तान विलियमसन के साथ मिलकर 60 रन की पार्टनरशिप कर चुके थे, बल्ला चल रहा था, मगर फिर फिलुक वायो ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद डाली। गुप्टिल ने शॉर्ट बॉल को घुमाया, इसके साथ ही वो भी पूरा घूम गए और उनका पैर स्लिप कर गया और लगा जाकर सीधा स्टंप पर। हिट विकेट के कारण उन्हें 35 रन के स्कोर पर लौटना पड़ा। अब क्रीज पर आए टेलर, सीनियर बैट्समैन, मगर मॉरिस ने उनको टिकने नहीं दिया और एक ओवर बाद 17वें ओवर में ही टेलर को वापस जाना पड़ा। अपने अगले ओवर में मॉरिस ने ही टॉम लेथम का भी विकेट निकाल दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर हो गया 80 रन पर 4 विकेट। लगा साउथ अफ्रीका इज बैक, मगर इस बैक के बीच अभी एक आदमी खड़ा था, केन विलियमसन, और वो आखिर तक खड़ा रहा। केन ने पहले निशाम के साथ मिलकर 57 रनों की पार्टनरशिप की। निशाम आउट हुए तो ग्रैंड होम टिक गए और एकदम मार धाड़ मचा दी, जैसी जरूरत थी वैसा ही खेले। दूसरी तरफ से विलियमसन खड़े थे, मगर इसमें साउथ अफ्रीका की पूरी कृपा थी। ऐसे दो मौके आए जब विलियमसन आसानी से आउट हो सकते थे। पहला 37वें ओवर में, जब इमरान ताहिर की बॉल पर विलियमसन का हल्का सा एज लगा था, मगर ना मजबूत अपील हुई और ना ही DRS के लिए साउथ अफ्रीका गई। बाद में जब बड़ी स्क्रीन में रिव्यू आया तो इसमें एज लगता दिखा, ताहिर का मुंह देखने वाला था। दूसरा मौका था 41वें ओवर की पहली बॉल पर रनआउट का। रबाडा बॉल डाल रहे थे, विलियमसन ने शॉट खेला। विलियमसन और ग्रैंड होम के बीच रन को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, हड़बड़ी में दोनों दौड़ पड़े, मगर साउथ अफ्रीका इस मौके का फायदा नहीं उठा सकी। तीसरा मौका 43.4 ओवर में आया, जब फिलिप वायो की बॉल पर विलियमसन का कैच छूट गया। हालांकि ये नो बॉल निकली थी, मगर इन गलतियों के बावजूद मैच आखिरी ओवर तक गया। आखिरी ओवर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर ही सेंटनर ने 1 रन लेकर स्ट्राइक विलियमसन को दे दी, जो उस वक्त 96 रन के स्कोर पर थे। 4 रन चाहिए थे शतक के लिए, मगर दूसरी गेंद पर विलियमसन ने चौका नहीं छक्का मारकर मैच का रिजल्ट भी बता दिया, साथ ही अपनी सेंचुरी भी पूरी कर दी। नाबाद रहे 103 रन बनाकर, और इस तरह फिर साबित हो गया कि साउथ अफ्रीका वाकई अव्वल दर्जे की चोकर ही है। न्यूजीलैंड के 80 रन पर 4 विकेट के स्कोर के बावजूद मैच नहीं बचा सकी। विलियमसन को आउट करने के कई मौके छोड़े और इसी के साथ मैच गंवा दिया। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का अजेय रथ और आगे बढ़ गया है। पॉइंट टेबल पर भी न्यूजीलैंड अब टॉप पर आ गई है बिना एक भी मैच हारे। वर्ल्ड कप के इस मैच की तरह ही हम आपको और भी अपडेट्स बताते रहेंगे। आप देखते रहिए dlllntop.com। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।